ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा की पूजा का महापर्व गंगा दशहरा मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस तिथि को राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए माँ गंगा धरती पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान कर पूजा पाठ दान करने से व्यक्ति को माँ गंगा की दिव्य कृपा मिलती है, साथ ही सभी तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। शास्त्रों में 10 तरह के पापों का वर्णन मिलता है जिन्हें व्यक्ति जाने अनजाने में करता है। इन पापों से मुक्ति पाने का पर्व है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के दिन 10 वस्तुओं के दान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कौन से 10 पाप हर दिन करते हैं और किन 10 वस्तुओं का दान गंगा दशहरा पर्व पर अवश्य करना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गंगा दशहरा पर्व किस मुहूर्त में मनाना शुभ होगा। 16 जून को सुबह 2:32 पर शुरू होगी दसवीं तिथि। 17 जून को सुबह 4:45 पर समाप्त होगी दसवीं तिथि। 16 जून को उदयात तिथि में गंगा दशहरा पर्व मनाना शुभ होगा। 16 जून को सुबह 4:03 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना सबसे उत्तम होता है। 16 जून को गंगा दशहरा पर्व मनाते हुए हमें गंगा स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी भी गंगा स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर पर ही स्नान के बाद गंगा जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर डालें, साथ ही गंगा जल का आचमन करें, इससे आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं हम जाने अनजाने में कौन से 10 पाप कर्म करते हैं। शास्त्रों में 10 महापाप बताए हैं, जाने अनजाने में हम इन पापों को करते हैं। 3 कायिक यानी शरीर से किए जाते हैं, 4 वाचिक यानी हम वाणी से ये पाप करते हैं, 3 मानसिक यानी मन से किसी के बारे में गलत सोचना। इन 10 पापों से मुक्ति पाने का पर्व है गंगा दशहरा। इनके साथ ब्रह्म हत्या, छल कपट, पर निंदा पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर्व इन पापों के प्रायश्चित करने का महापर्व है। इस दिन हमें माँ गंगा के चरणों में अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कर क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ गंगा की कृपा से व्यक्ति को इन पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हमें गंगा दशहरा के दिन किन 10 वस्तुओं का विशेष रूप से दान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर्व पर 10 की संख्या में दान करें। जल, अन्न, फल, वस्त्र और पूजन सामग्री दान करें। घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण दान करें। सत्तू, जल भरा मटका और हाथ का पंखा दान करें। गंगा दशहरा पर दान करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं, ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में दान की विशेष महिमा बताई गई है। सभी पर्व त्योहारों पर दान करने से व्यक्ति को भगवत कृपा के साथ अनेक तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। कुंडली के ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। इसी तरह गंगा दशहरा पर्व पर हमें कोई भी वस्तु 10 की संख्या में दान करनी चाहिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। गंगा दशहरा पर्व दान करने से पाप कर्मों की समाप्ति के साथ घर परिवार में सुख शांति आती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।